मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा जिले की मांडल पंचायत के चाखेड़ा गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में शिरकत की। अपने संबोधन के दौरान जब उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र किया, तभी वहां मौजूद रवि शंकर सोनी नाम के व्यक्ति ने उनके सामने पोस्टर दिखाया जिस पर लिखा था कि उसको इस योजना का लाभ नहीं मिला है। यह देख सुरक्षा कर्मियों ने उसके हाथ से पोस्टर छीन लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। मैं रविशंकर सोनी श्यापरा भीलवाड़ा निवासी हूं। मेरी पत्नी 10 अगस्त को बुखार से पीड़ित थी। हम श्यापरा हॉस्पिटल आए और 3 दिन तक वो वहाँ पर भर्ती रही। 12 अगस्त को हम चिरंजीव योजना के लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य हॉस्पिटल गए। हमने वहाँ पर अपना जन आधार कार्ड पेश किया, लेकिन उन्होंने हमें इस योजना में शामिल करने से मना कर दिया। लेकिन जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने जिद करके उसको वहाँ पर भर्ती कराया और वहाँ पर एक किसी प्रपत्र कह पे उन्होंने साइन किए, जो उनको मालूम नहीं था कि भैया उनको उनसे ये कहा गया कि इस प्रपत्र पर साइन कीजिए तभी हम आपको भर्ती करेंगे। अब उसमें क्या लिखा था उनको मालूम नहीं था। फिर उसके बाद लमसम 25 से 26 अगस्त तक मेरी पत्नी वहाँ बुखार से पीड़ित होकर भर्ती रही। उनको 8 दिन बाद मालूम पड़ा कि उसको लीवर के अंदर उनको पस भरा हुआ है। पहले तो उन्होंने कहा हम इंजेक्शन से निकालेंगे, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन से निकालने के बजाय उनका सर्जरी से लीवर का उन्होंने पस निकाल दिया। और जब उन्होंने हमने वापस जब चिरंजीवी योजना की मांग की तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज करने की धमकी दी। तो मैं CMHO साहब के पास पहुंचा, CMHO साहब से मैं मिला तो उन्होंने वो मिले नहीं तो वो VC में थे, तो उन्होंने मेरे को मोबाइल से संपर्क किया कि साहब आप यहाँ पे एप्लीकेशन लेके जाएं। मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी और हम आ गए। लेकिन एप्लीकेशन देखने का नतीजा ये निकला कि जो मेरी पत्नी ICU में भर्ती थी उसको उन्होंने जनरल वार्ड के अंदर भर्ती कर दिया और डिस्चार्ज कर दिया। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो मैंने CMHO साहब से वापस संपर्क किया, लेकिन CMHO साहब ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने CMHO साहब को मेल किया, व्हाट्सएप किया और एक रजिस्टर्ड लेटर लिखा। फिर उसके बाद कलेक्टर साहब को रजिस्टर्ड लेटर लिखा और उसकी जानकारी दी। उसके 2 दिन बाद ही कलेक्टर साहब हमारे इलाके में आए, डिकोला के अंदर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए आए। तो मैं उनसे रूबरू मिला और मैंने उनको बताया साहब मैं BPL में हूँ और मुझे राशन के गेहूँ मिलते हैं और मैं चिरंजीवी योजना का लाभ का पात्र आदमी हूँ, लेकिन हॉस्पिटल स्वास्थ्य हॉस्पिटल मेरे को उसका लाभ नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा आपको लाभ मिलेगा और मैं आपको लाभ दिला के रहूँगा। ये आश्वासन देके मेरे को वहाँ से वह चले गए। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने वापस CMHO साहब से संपर्क किया, लेकिन CMHO साहब ने वापस मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। कलेक्टर साहब से मैंने वापस व्हाट्सएप से और फ़ोन से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कोई मेरे को रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने संभागीय आयुक्त को लेटर लिखा, संभागीय आयुक्त के बाद मानव अधिकार आयोग को और लेटर लिखा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो होते हैं तो मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा। फिर उसके बाद मैंने राज्यपाल जी को लिखा, राज्यपाल जी के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, राष्ट्रपति जी को लिखा। इतने लेटर लिखने के बाद केवल प्रधानमंत्री जी की कार्यवाही 181 के माध्यम से हमारे यहाँ पे आई। तो उसकी जाँच में 4 बार 5 बार हमको 181 से फ़ोन आया कि साहब आपके प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है और आपसे बिल और आपसे इसकी जानकारी मांगी तो आपने नहीं दी। फिर हमने उनको वापस शिकायत दर्ज कराई कि श्रीमान न तो हमारे पास किसी का फ़ोन आया, न किसी ने हमको जानकारी दी कि हमसे, न तो किसी ने बिल मांगे। तब जाके हमको इनकी नियति का मालूम पड़ा कि भाई कलेक्टर साहब से लेके CMHO साहब दोनों तीनों मिले हुए हैं और ये चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं देना चाहते। चिरंजीवी योजना के लिए बातें करते रहते हैं कि साहब चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपये तक का इनको फ़ायदा मिलेगा, इनका इलाज मुफ्त होगा। मुफ्त इलाज की जगह तो इन्होंने लूटमार की दुकान लगा रखी है। और जब शिकायत लेके किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई अधिकारी सुनने का काम ही नहीं करता है, तो आदमी जाएगा कहाँ? हॉस्पिटल पहले भगा देता है, मना कर देता है। मान लो किसी भी तरह हो भी गया तो CMHO साहब उसको वहीं से निपटा देते हैं कि साहब आपकी शिकायत का निवारण ही नहीं करते हैं, सुनते ही नहीं है, वो वहाँ से भगा देते हैं। कोई ना कोई तकनीकी खामियाँ बता देते हैं। इन्होंने तकनीकी खामियाँ हमको ये बताई कि साहब आपने जो साइन करके हैं कोई प्रपत्र क्या है जिसमें लिख रखा है साहब हम इसके पात्र नहीं है। तो इनको बताया कोई कि गरीब आदमी अगर कोई चीज़ समझता नहीं है और आप उसको गुमराह करके अगर आप उनके साइन करवा लेते हो तो वहाँ कहाँ की नैतिकता है ये। उसके बाद जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो कलेक्टर साहब भी नहीं सुनते हैं। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 10-10 जगह, यहाँ तक कि विधायक सांसद हमने किसी के और सेशन न्यायाधीश महोदय तक को हमने लगाया। सेशन न्यायाधीश महोदय ने भी हमको आश्वासन दिया साहब आप कार्य होगी। आज जब चाखेड़ा के अंदर जब मुख्यमंत्री महोदय आए किसी ने हमको मिलने नहीं दिया,
लेकिन फिर भी मैंने पोस्टर लगा के उनको बताया तो पुलिस वाले मेरे को उठा के ले गए और नज़रबंद कर दिया कि साहब आप इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते। जब आम आदमी मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता, आपको चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, तो सबको डूब मरना चाहिए।